लोग यूनिवर स्टूडेंट्स को देखें, आज हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ्स लेक्चर नंबर 18 है, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर हमारे पास था उसके अंदर हमने 7.1 एक्सरसाइज जो थी वो हमने कम्प्लीट कर ली थी। आज जो हम 7.2 एक्सरसाइज करते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। जिस तरह आपने 7.1 की है, टोटल मैथड वही 7.2 की है। मतलब जिस तरह वैक्टर मालूम करते थे, चाहे ए बी या बी क्यू वैक्टर मालूम करते थे, बिल्कुल वही मैथड है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 2.5, बी हमारे पास है -1 और 1, सी हमारे पास है 2-6। फाइंड ओनली हम जो नंबर 3 इसका हम हल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल इजी है। तो देखिए, 2cb - 2ca, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सी बी की वैल्यू मालूम करनी है, फिर आपने सी ए की वैल्यू मालूम करनी है। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम सी बी की वैल्यू मालूम करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ बी माइनस वैक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं। जो नंबर ए के अंदर कह रहे हैं कि यू प्लस टू बी
प्लस डब्ल्यू, तो आपने यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देनी है और उन्हें आपस में प्लस कर देना है। जूस नंबर टू के अंदर वी माइनस थ्री डब्ल्यू, तो वी वैल्यू पुट करनी है, डब्ल्यू को आपने थ्री से मल्टीप्लाई करना है और इन्हें आपने माइनस कर लेना है, ये भी बिल्कुल ईजी है। इसी से टू से रिलेटेड हमारे पास थ्री है, थ्री वी प्लस डब्ल्यू और मार दिया हुआ, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड हमें इसका मालूम है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें थ्री वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू होनी चाहिए, इससे पहले हम ये वैल्यू मालूम करेंगे। थ्री वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें थ्री है, वी वेक्टर किस चीज के इक्वल है, उसकी वैल्यू थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास है फाइव आई माइनस जे प्लस थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री नाइन आई माइनस सिक्स जे प्लस सिक्स के, उसके बाद प्लस फाइव आई माइनस जे प्लस थ्री के, इतने डब्ल्यू को हमने किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये प्लस माइनस कर लें, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन आई माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन जे सिक्स प्लस थ्री नाइन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थ्री बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हमें वैल्यू क्या चाहिए, यही वैल्यू चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे थ्री बी प्लस डब्ल्यू। तो कोई भी जो हमारे पास वेक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर हमारे पास भी है एक्स आई प्लस वाई जी, जब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो आई और जे जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं उन्हें हम उनका स्केयर भी करते हैं और उन्हें जमा करके स्केयर होते हैं, मतलब पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी का अगर जे के हो तो तीसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्टीन का स्केयर प्लस माइनस सेवन का स्केयर और नाइन का स्केयर, तो फोर्टीन का स्केयर करेंगे तो 196, सेवन का फोर्टी नाइन और नाइन का, अब हमें क्या करना है इन्हें ऐड करना है, तो ये तकरीबन हमारे पास 130 और 196 को हमें ऐड कर देना है, 326, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 326 और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपने वही वेक्टर मालूम कर लेना जो हमारे पास दिया होगा, ठीक है, उसके बाद फिर जाकर आपने उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, मैग्नीट्यूड का पता है लेंथ जो हम जिसे हम नाम भी कहते हैं, तो हमें क्या करना है आई कंपोनेंट्स के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर करना है, जे के साथ के साथ जो वैल्यू उसका स्केयर करके आप स्केयर रूट लेना है, अगर स्केयर रूट कंप्लीट आता है तो कर लें, नहीं तो जितना शार्ट करना चाहते हैं आप उसे शार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो सबसे पहले हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है, इसमें दो पार्ट को पूछा है, तो इस वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो ये बन जाएगा टू का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर और प्लस फोर का स्केयर, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन और फोर का स्केयर सिक्सटीन, ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी नाइन स्केयर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया जो उसने पहला पॉइंट हमें कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू के अंदर कह रहा है कि इसका आपने डायरेक्शन कोसाइन भी मालूम करें। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि हमारे पास एक कोई वेक्टर दिया गया v वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर है, जब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन हम निकालेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि देखिए हमारे पास l इज इक्वल टू, मतलब l m n, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, l इज इक्वल टू x ओवर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, m is equal to second value of y over उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n is equal to z over उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये है कि जिस वेक्टर का आपने डायरेक्शन को साइन मालूम करना है सबसे पहले आपने उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, जब आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि i कंपोनेंट जो होगा उसके साथ जो आपके पास वैल्यू होती है वो ओवर मैग्नीट्यूड, ये आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। एम की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वाई के साथ जो वैल्यू होती है प्लस में है प्लस में लिखें, माइनस में है माइनस में लिखें, ओवर बी का मैग्नीट्यूड, एम इज इक्वल टू जेड, मतलब जो के कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू होती है वो ओवर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए जब हम एल की वैल्यू मतलब डायरेक्शन को साइन हम निकालेंगे
इक्वल टू x ओवर v का मैग्नीट्यूड, x इसी के इक्वल है, मतलब ये का ही वैल्यू है x के इक्वल, 2 ओवर मैग्नीट्यूड 29 स्क्वायर रूट, m इज इक्वल टू y ओवर v का मैग्नीट्यूड, मतलब 3 ओवर स्क्वायर रूट 29, और n इज इक्वल टू z ओवर v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 29। तो ये जो हमारे पास है l, m और n, ये हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी से रिलेटेड, मतलब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर, तो उसके अंदर भी हमने डायरेक्शन कोसाइन ही मालूम करने हैं। तो क्वेश्चन 3 और 11 ये दोनों सेम है और बाज बच्चे शॉर्ट में भी आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, सो दैट मैग्नीट्यूड में दिया हुई है वैल्यूज हमारे पास, मतलब पार्ट में दे दिया अल्फा आई प्लस इनटू अल्फा प्लस 1 जे, मतलब जे के साथ कंबाइंड अल्फा प्लस 1 वैल्यू दी हुई है, और प्लस 2k इज इक्वल टू 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में देखिए तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में देखें, और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल भी ये लाजमी किसी ना किसी पॉइंट में लाजमी आ जाता है, बाद में हर साल भी ये आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब हम देखिए कहते हैं वैल्यू हमारे पास है अल्फा आई, ठीक है, प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के का मान इज इक्वल टू, हमें पता है मैग्नीट्यूड हम कैसे खत्म करते हैं, मैग्नीट्यूड हम किस तरह लेते हैं, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ना सिर्फ स्क्वायर रूट हमें खत्म करना है, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर ले लें, तो दोनों तरफ हमें क्या करना है स्केयर ले लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब इसको ओपन करते हैं, अल्फा स्केयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, मतलब आपने ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट भी खत्म हो गया और सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर, ठीक है। अब 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा और प्लस 5 is equal to 9, 9 को इधर लेते हैं, 2 alpha square plus 2 alpha plus 5 minus 9 is equal to 0, तो 2 alpha square plus 2 alpha और minus 4 equal to 0, अब इसमें से 2 common ले लें, alpha square plus alpha minus 2 equal to 0, और next 2 उधर जाके 0 पे divide हो जाएगा, alpha square plus alpha minus 2 equal to 0, अब हमें क्या करनी है, इसकी factorization करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो वैल्यू हमें ऐसे लेके आनी है कि अगर हमें प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट का हमने जब पेयर बनाना है तो अल्फा का मान लेंगे अल्फा प्लस 2, तो माइनस 1 और इसमें का मान लेंगे तो ये भी अल्फा प्लस 2, तो अल्फा प्लस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 2 को आपने अलग से 0 के इक्वल करना है, अल्फा माइनस 1 को अलग से 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ जाएगी, एक ये वैल्यू आ गई, सेकंड अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 किया, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो पता है इसके कंप्लीट आपको पेयर आपने ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू पेयर दिए गए, तो अल्फा की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब आप इसके अंदर पुट करके देखो तो डायरेक्ट जो है ना आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब दो स्टेप के अंदर अगर एमसीक्यूज में, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है, एमसीक्यूज में आ जाए तो बजाय इसके कि अगर हल करें तो आपकी मर्जी है, मतलब वैसे ही जो मैथड है यही है इसका हल करने का, ठीक है। लेकिन अगर टाइम क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट होता है तो फिर आपने क्या करना है कि जो ए बी सी डी आंसर दिए गए होंगे वो आपने जल्दी जल्दी आप क्या करना है ओरिजिनल के अंदर पुट करके देखना है, वैसे जब एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आंसर भी जबानी याद हो जाएंगे कि अच्छी चीज में आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू i + 2j - k, तो ये यूनिट वेक्टर वाला जो है ये हम पहले 7.1 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी यूनिट वेक्टर वाला है, ठीक है, उसकी भी आपने ट्राई करनी है, तो ये
पहले 6 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना ये आप लोगों ने खूबी कर।